नमस्कार दोस्तों, आज मैं अलसी की कचौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ जो टेस्टी टेस्टी और क्रंच बनेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखें इस तरह की कचौड़ियाँ बनाने की। पहले 250 ग्राम तीसी लेंगे, या अलसी से बोल सकते हैं, इसे अलसी भी बोला जाता है। और इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक इसे भून लेंगे और इसके ग्राइंडर जार में पाउडर बनाकर रेडी कर कर रख लेंगे। इसके बाद एक छोटी पैन लेंगे, पैन में 400 ml पानी डालेंगे। ये देखिए एक पैन में छोटी ले ली हूँ, इसमें 400 ml पानी डालेंगे और इसमें 150 ग्राम के अनुसार गुड़ डालेंगे और इसे डिजोल्व कर लेना है, इसे खोलाना नहीं, अच्छे से इसे डिजोल्व कर लेना है। जब घुल जाए तो रेडी कर कर ले लेना है। और इसमें थोड़ी इलायची ही डाल लेंगे, कुटी हुई इलायची, और 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल लेंगे। ये देखें सभी को डिजोल्व होने तक गैस को ऑफ कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से सभी डिजोल्व हो चुके हैं और इसे रेडी कर कर रख लेंगे। ये देखें इस तरह रेडी कर कर अलग रख लेंगे। इसके बाद 1 kg के अनुसार आटा ली हूँ और मैं इस रेडी किए हुए पानी से इसे मैं डो लगा लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से डो लगाना है, इसे अच्छे से गूंद गूंद कर डो लगाना है। मैं इस अनुसार ही पानी रेडी की हूँ कि बच्चे ने, क्योंकि इसमें घी और इलायची पाउडर डले हैं, बर्बाद नहीं करना है। उस अनुसार ही पानी आप डिजोल्व कर कर रख सकते हैं रेडी कर कर डो लगाने के लिए। और इसे अच्छी तरह से डो लगा लेना है, रोटी के आटे से थोड़ा सख्त ही रखना है और इसे अच्छे से गूंद गूंद कर इस तरह ले लेना है। एक और बात का ध्यान रखना है, जो गुड़ वाली लिक्विड बनाई हूँ उसे ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि बच नहीं सके उसमें, क्योंकि घी और इलायची पाउडर डले हैं, ज़्यादा बन जाने के कारण बर्बाद हो सकता है, इसलिए उसी मात्रा में बनाना है। इसके बाद अगर पानी कम जाए तो आप नॉर्मल पानी से भी डो लगा सकते हैं। इस तरह का जो लिक्विड तैयार की हूँ बहुत टेस्टी ये कचौड़ियाँ बनकर रेडी होते हैं। चलते हैं, पहले जो पाउडर अलसी वाली रेडी कर कर रखी हूँ उसे मैं रेडी कर कर ले लेती हूँ। मैं किस तरह पाउडर रेडी करती हूँ उसे भी आप देखें। कोई भी फ्लैट वाले बर्तन लें और उसमें अलसी पाउडर डाल लें और थोड़ी पाउडर बनाकर चूर कर डालें, इलायची पाउडर, गोलकी पाउडर और सोफ पाउडर चूर कर रेडी कर कर डालें। इसमें क्रश किया हुआ ये गुड़ है इसे भी डाल लें, 200 ग्राम के अनुसार गुड़ है, 250 ग्राम के अनुसार अलसी पाउडर है, जिसमें 200 ग्राम गुड़ डाली हूँ और भी गुड़ आटे में डली है इसलिए इसमें 200 ग्राम ही डाली हूँ, नहीं तो बराबर मात्रा में भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, अगर गाठ हो तो उंगली के सहारे भी अच्छी तरह से मिक्स कर कर रेडी कर लें। ये देखें ये आटे की बॉल्स एक ही साइज में काट लें और सभी बॉल्स को रेडी कर कर रख लें। ये देखिए सभी एक साइज में मैं काट ली हूँ और इसे रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह, जिस तरह आलू पराठे के स्टफिंग भरते हैं उसी तरह अच्छे से भर लें और 1 बड़े चम्मच या 1.5 चम्मच इसमें डालकर भरें, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फट सकता है। थोड़ा भी होल नहीं होनी चाहिए, क्रैक नहीं आनी चाहिए। इसी तरह सभी कचौड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखें 1 बड़े चम्मच भर भर कर ही डालें, 1 से 1.5 चम्मच, और इसे दाब कर अच्छी तरह से इसे पैक कर लें। ये देखें आप अपने अनुसार ही पैक करेंगे जो फटे नहीं। और सभी को कचौड़ियाँ रेडी कर कर ले लें। अगर कचौड़ियाँ में ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तो देखें इस तरह होल बन जाते हैं और फट जाते हैं, और इसे पैक करने पर भी तेल में फट जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं भरना है, 1 से 1.5 चम्मच ही स्टफिंग भरना है। ये देखें
और सभी को इस तरह ले लें और दाब कर हल्के हाथों से ही इसे थोड़ा सा प्लेट करें, ज़्यादा इसे नहीं बेलें। दाब कर सभी कचौड़ियाँ को अच्छे तरीके से रेडी कर लें। ये देखें इस तरह रेडी कर लें, थोड़ा भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। ये सभी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में रिफाइंड गरम कर इस तरह 3 से 4 कचौड़ियाँ एक बार में डालेंगे। ये देखें और मीडियम फ्लेम पर ही इसे रखेंगे, ज़्यादा फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसे गोल्डन होने तक रखेंगे। ये एक तरफ गोल्डन हो जाए तो इसे पलट लेंगे, फिर इसे डीप गोल्डन होने तक ही रखेंगे और इसे रेडी कर निकाल लेंगे। ये देखें ये सभी रेडी हो चुका है, हमें एक कर इसे निकाल लेंगे। अगर इस तरह की कचौड़ियाँ खास्ता बनाना है तो पहले तिल को हीट कर लेना है और इसके बाद मीडियम फ्लेम पर सभी कचौड़ियों को इस तरह तल लेना है गोल्डन ब्राउन। ये बहुत क्रंच खाने में लगते हैं और बहुत टेस्टी। अगर इस तरह की कचौड़ियाँ पसंद आए तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और मैं एक कचौड़ी तोड़कर दिखा रही हूँ कितने अंदर से ऊपर से क्रंच बने हैं और बहुत टेस्टफुल कचौड़ियाँ बनकर रेडी होते हैं, स्वीट स्वीट। ये कचौड़ियाँ अगर पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।